नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर मैथ में करा रहा हूँ तृतीय सेमेस्टर के लिए, और आज वीडियो नंबर 3 जाने वाला है। तो इससे पहले आपके वीडियो 2 हम कम्प्लीटली अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, और ये चैप्टर नंबर 8 है और इसमें हम पढ़ रहे हैं सेट के बारे में। तो आप अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, और जिसकी आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आप अपने एग्जाम में यहाँ पर अच्छा स्कोर करेंगे, 25 में से 25 भी स्कोर कर लेंगे आप, अगर आपने सही से प्रैक्टिस की हुई है तो, ठीक है। और ऐसे ही देख देख के आपने छोड़ दिया है वीडियो तो आपका कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि वीडियो देखने से ही आपका कुछ नहीं बनने वाला है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने बात की थी आपसे, दोनों जो समुच्चय को जो निरूपित करती हैं, जो आपकी दो विधियाँ थी उनको मैंने बताया हुआ था। गुड विधि आपको बताई हुई थी, आपको साड़ी विधि टेबुलेशन वाली रोस्टर विधि आपको बताई हुई थी, दो तरीके से इसको निरूपित करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको समझाया हुआ था। तो आपने पहले का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाके देख लीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे हम समझेंगे, क्या इन्होंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है, किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को मात्र एक बार ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने लिखा, ये एक सेट है जिसमें आपको मंजिला कोष्ठक यहाँ पे आपको लगाना है, इसे इधर से बंद कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जैसे दो लिख दिया, फिर हमने दो लिख दिया, फिर यहाँ पे तीन लिख दिया। तो इस जो हमने दो 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 बार लिखा, इसे हमें लिखने का यहाँ पे कोई हक नहीं है, केवल हम इसे एक बार ही लिख सकते हैं, इसे हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। यही चीज इसने लिखी हुई है पहले पॉइंट में। तो आशा करते हैं आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आपको सेट के अंदर किसी भी जो एलिमेंट्स है उसको रिपीट नहीं करना है। नंबर दो, समुच्चय के अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनका मतलब, कहने का मतलब क्या है, देखिए इन्होंने एग्जाम्पल्स के जरिए से आपको समझाया हुआ है। जैसे इन्होंने देखिए लिखा हुआ है कि 1, 3 और 5 को एक हमने सेट लिखा हुआ है, ये सेट है आपका। इसी सेट के जो अवयव हैं उनको, एलिमेंट्स को, हम इनके इनका क्रम भी उलट के हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 5 कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 कर सकते हैं, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किधर भी कर लीजिए, देखिए इसको तीन प्रकार से आपको लिख के देखिए समझाया गया है कि पहले हमने वन को स्टार्टिंग में लिया, फिर वन को हमने लास्ट में लिया, फिर वन को हमने बीच में लिया, इधर उधर इनके घुमा दिए लेटर्स को। तो इस तरीके से आप कैसे भी लिखा हो परंतु आपका सेट वही है, इसमें कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है, ये एक समान ही ट्रीट किया जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो उदाहरण पहला नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का आपको समुच्चय लिखना है। तो देखिए, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? तो प्रथम 4 प्राकृत संख्या होती क्या है? तो 1, 2, 3 और ये 4 आपकी होती है। तो यही आपकी 4 होती हैं, तो ये आपकी होती है प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं। तो इसी तरीके से ए सेट बराबर लिखा हुआ है, ए के सेट में इनको हमने लिखा हुआ है प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं। तो यही इसने पूछ रहा था, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में देखिए, समुच्चय वी बराबर ए ई आई ओ यू, ये कोमा लगा के लिख दिया। तो ये क्या है? ये सभी स्वर हैं। तो समुच्चय वी बराबर इसका पूछ रहा है कि वर्णन कीजिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का ये क्या है? समुच्चय है। तो इसी प्रकार तो आप लिखोगे V बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसी प्रकार से लास्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो समुच्चय A बराबर 2, 4, 6 ये दिया हुआ है कि सदस्य संख्या बताइए, यानी इसमें नंबर्स पूछा हुआ है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। तो समुच्चय की सदस्य संख्या, तो हमने आपको बताया था इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं, एन होता है नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आपका होता है यहाँ पे ए, और बराबर में यहाँ पे लिखते हैं कितना एलिमेंट्स है इसके अंदर, 3, तो 3 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, आप इन तीनों एग्जांपल्स को समझ सकते हो, और यहाँ पर आप इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्सों को समझ सकते हो। अब ये जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं इनको मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तो आप अगला वीडियो आपको टाइम से मिल जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सभी अपडेट्स हमारी मिलती रहेंगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी पढ़ने का यहाँ मौका मिल सके। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।